हाँ तो मेरे दोस्त, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अपने इंस्टाग्राम की पूरी कॉल हिस्ट्री को एक साथ कैसे डिलीट कर सकते हो। कॉल हिस्ट्री हो या आपकी चैटिंग हिस्ट्री, सबको एक साथ क्लियर कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भी करके जाना। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको चैटिंग सेक्शन पे आ जाना है, और जिसका आपको चैटिंग डिलीट करना है कॉल हिस्ट्री, आपको उसके चैटिंग पे आ जाना है। ठीक है, अब मैं आ गया। अब यहाँ से क्या करना है, आप देख सकते हो, ये मैं जो लिख के मैंने भेजा है उसको अनसेंड करके डिलीट कर, इतना कानून मैं भी जानता हूँ, कर पा रहा हूँ इसको। तो मैं आसानी से यहाँ से डिलीट कर ले रहा हूँ, लेकिन जो हमारी कॉल हिस्ट्री होती है ये डिलीट नहीं होती यहाँ से। तो इसको डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर में जो ये आई वाला बटन दिख रहा है ना, सबसे ऊपर में आई बटन, आपको इस पर क्लिक करना है। और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रेस्ट्रिक्ट का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको डिसमिस करना है। उसके बाद क्या होगा, आपका जो ये चैटिंग जिससे आप कर रहे थे उसका अकाउंट आपके यहाँ पर रिक्वेस्ट वाले पे आ जाएगा। आप देख सकते हो ये यहाँ पे रिक्वेस्ट पे आ गया है। उसके बाद फिर से आपको इसके अकाउंट पे क्लिक करना है, और यहाँ से क्या करना है, डिलीट पे क्लिक करके पूरा हिस्ट्री आपको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपकी कॉल हिस्ट्री भी डिलीट हो जाएगी और चैटिंग भी डिलीट हो जाएगी यहाँ से। और उसके बाद क्या करना है आपको, अब फिर से आपको इससे चैटिंग करनी होगी। तो उसके बाद आप यहाँ पर आके इसका अकाउंट फिर से सर्च करना है। आपको सर्च कर सकते हो, या तो आपने फॉलो लिस्ट में भी जाकर देख सकते हो, अगर आपने फॉलो करके रखा है उसको तो वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, ये मैं सर्च करके उसके अकाउंट पे फिर से आ गया, और फिर से मैं इसके पास मैसेज कर पाऊँगा। तो मैसेज करने से पहले उसको यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्ट को क्लिक करके ये हटा देना है। उसके बाद आप देख सकते हो इसका चैटिंग पूरा क्लियर हो गया यहाँ से, और मैं आसानी से इससे चैटिंग कर पाऊंगा। अब कोई भी हिस्ट्री इसकी नहीं है हमारे पास, अब फिर से मैं इसके पास मैसेज कर पाऊंगा। आप देख सकते हो ये मैं फिर से इसके पास कॉल या तो चैटिंग कुछ भी कर सकता हूँ। तो आप भी अपने इंस्टाग्राम की चैटिंग हिस्ट्री को, कॉल हिस्ट्री को आसानी से इस तरह से डिलीट कर सकते हो। और हाँ मेरे दोस्त, अगर तुम्हारे भी चैटिंग सेक्शन पे आने के बाद यहाँ पे जनरल और प्राइमरी की जगह पे कॉल का ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ पे भी अगर कॉल हिस्ट्री आपकी रह जाती है तो यहाँ से आपको इसके ऊपर होल्ड करके रखना है। उसके बाद डिलीट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे, सिंपली डिलीट पे क्लिक करके यहाँ से आसानी से इसे डिलीट कर सकते हैं। तो जाओ और डिलीट करो किसी की भी चैटिंग कॉल हिस्ट्री और मजे लो। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलो मिलते हैं हम अपने दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टाटा, बाय बाय।